जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। भाई आपका फिटफाट है, मज़े में है। व्लॉग चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उसमें बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाऊंगा आपके। भाई आहिस्ता आहिस्ता व्लॉगिंग की तरफ आ रहा है, एक टाइम पहले भी था जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किए थे लेकिन अच्छी सपोर्ट नहीं उस पर मिली थी, तो मैंने छोड़ दिए थे। अब वापस मेरा क्योंकि दिल चाह रहा है कि मैं इसकी तरफ आऊँ, तो सब्सक्राइब कर लें, अलग से चैनल बना लिए। तो आज हम एक रामचरण और अल्लू अर्जुन सेम मूवी में हैं और दो ऐसे हीरो जो टैलेंट से भरे हुए हैं, कूट के टैलेंट इनके अंदर है। एक ही मूवी में जब हों तो फिर मूवी तो वो कमाल होगी। ये वारू मूवी का नाम है, काफ़ी पुरानी मूवी है, 2014 की फिल्म है। इसको डायरेक्ट किया है वामशी पेदीपली, आई होप कि मैंने सही नाम लिया है। म्यूज़िक TSP, और ये DSP जो हैं छाए हुए हैं, इनका म्यूज़िक बहुत कमाल का होता है। तो देवश्री प्रसाद, श्रुति हसन इनके साथ हैं एंड और भी बहुत सारी कास्ट है। तो ट्रेलर का अनफॉर्चुनेटली यहाँ सबटाइटल्स नहीं है, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट आई है तो हम इसके देखेंगे, इसके विजुअल्स देखेंगे, एक्टिंग का भी आइडिया हो जाएगा हमें, और फिर जो है हम इस पर बातचीत करेंगे कि ट्रेलर मुझे कैसा लगा। राहुल देव, చాలా పద్ధతిగా పని పూర్తి చేసి వెళ్ళా. జ్యూస్ ఇచ్చిన క్యాచ్ చేయట్లేదు యదవా. యవడు యవడు యవారు నే హాయ్ హాయ్ एक्शन बहुत लाजवाब लग रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक ज़रूरी नहीं है तेलुगु फिल्म सारी एक्शन की हों, लेकिन तेलुगु फिल्म्स की खासियत यह है कि एक्शन बहुत लाजवाब होता है। और रामचरण पे भी मैंने एक चीज़ नोट की है, लास्ट इनकी मूवी पे जो मैंने रिएक्शन दिया था जिसका नाम बड़ा मुश्किल है, यहाँ के लिंक डाल दूँगा, देख लेना जाके आप। तो वो एक्शन बहुत प्यारा करते हैं। तो अल्लू अर्जुन दोनों के चेहरों पे जो गुस्से वाली लुक है वो बहुत अच्छी मुझे लगी। और सबसे मेन चीज़ जो बैकग्राउंड पे बड़ा ही एक म्यूज़िक चल रहा है ना, बैकग्राउंड म्यूज़िक वो बहुत सूट कर रहा है और उठा रहा है इस ट्रेलर को। तो मैंने तो इसमें यही है कि श्रुति हसन की थोड़ी सी झलक देखी है, लेकिन मेन ये मूवी रामचरण या अल्लू अर्जुन पे चल रही है। विलन्स हैं उसमें और लड़ाई हो रही है, और जो एक्शन है वो नेक्स्ट लेवल एक्शन है। तो यवाडू, यवाडू का क्या मतलब है ये मुझे बताइएगा। और इस मूवी के कोई गाने अगर आप चाहें कि मैं देखूं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। काश मुझे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ मिल जाती ना तो मुझे स्टोरी लाइन भी थोड़ी समझ आ जाती कि हाँ भाई स्टोरी पर बने। तो आप अगर समझाना चाहें तो कॉमेंट में जी आप ज़रूर समझा सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हैं कि और इस तरह की वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन दबा दें, एक लाइक भी कर सकते हैं, एक शेयर भी कर सकते हैं, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ा। एंड इसी तरह की और वीडियोस लेकर आता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।